वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शोभा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एचआर एंट्री लेवल जॉब्स क्या होते हैं, उनके डेजिग्नेशंस क्या होते हैं। आप फ्रेशर हो एंड जस्ट आपको कुछ मेल्स आए हैं या आप एंट्री लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उनके बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप प्रिपरेशन कर सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे एचआर एंट्री लेवल जॉब्स क्या होते हैं, हायरार्कीज क्या होती है एंड उनके रोल्स क्या होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रोल हायरार्की या डेजिग्नेशन होता है, दैट इज स्टाफिंग कोऑर्डिनेटर और एचआर रिक्रूटर भी आप कह सकते हैं। इसमें आपको प्रोफाइल दिया जाता है जिसमें प्रोफाइल के बेस पे रिज्यूम सर्च करना होता है, मास मेल करना होता है, जॉब पोस्टिंग्स करना होता है, इंटरव्यूज लाइंड अप करने होते हैं। दिस इज द बेसिक होता है जहां पे आपको, जैसे आपको सीवीज मिल गया तो आपको अपने सीनियर को शेयर करना है, वो फीडबैक देते हैं, देन आपको बताते हैं कि इंटरव्यू कब लाइंड अप करना है, देन आप कैंडिडेट से बात करके इंटरव्यू कंफर्म करते हो एंड इनसे फॉलोअप लेते हो। बस इतना ही रोल होता है एक स्टाफिंग कोऑर्डिनेटर या एचआर रिक्रूटर का। सो सेकंड रोल इज स्टाफिंग स्पेशलिस्ट, आप रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं। रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट रिक्रूटर्स टीम को हैंडल करता है। जैसे कोई जॉब आता है, कोई ओपनिंग आती है या किसी कंपनी में ओपनिंग है, तो हायरिंग मैनेजर से बात करने के बाद है एंड जेडी प्रिपेयर करने के बाद वो रिक्रूटमेंट टीम को शेयर कर देता है या रिक्रूटर्स को शेयर कर देता है फॉर सर्चिंग द सीवीज। तो यहाँ पे जेडी प्रिपेयर करना इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ दिस रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट। इसके बाद उनके साथ इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन करना, जैसे कि इंटरव्यू के जब कैंडिडेट आता है तो उनसे फॉर्म्स फिलअप करवाना, इंटरव्यू फॉर्म्स फिलअप करवाना, उनको फीडबैक शेयर करना, उनके फॉर्म्स कलेक्ट करना या एप्लीकेशन फॉर्म सीवीज कलेक्ट करना, हायरिंग मैनेजर्स को देना एंड फीडबैक शेयर करना, उनके साथ स्केड्यूल करना फॉर फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस और द फाइनल इंटरव्यू प्रोसेस। मीन स्पेशलिस्ट हो या स्टाफिंग स्पेशलिस्ट हो, वो रिक्रूटमेंट, पूरा रिक्रूटमेंट टीम प्लस रिक्रूटमेंट के सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करता है। सो द नेक्स्ट रोल इज एचआर असिस्टेंट। एचआर असिस्टेंट पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, मैं इसलिए ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको जस्ट बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देती हूँ। इसमें एचआर असिस्टेंट जो है एचआर मैनेजर को हेल्प करता है। सो बेसिक ड्यूटीज होते हैं जैसे कि उनके यू नो रिक्रूटमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना अबाउट द कैंडिडेट प्रोफाइल एंड ऑल, देन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैंडल करना, अटेंडेंस मैनेज करना, समटाइम्स पेरोलिंग के लिए जो अटेंडेंस शीट बनती है वो चेक करना, वो क्रॉस चेक करना, एम्प्लॉयज के फाइल मेंटेन करना, डेटा एंट्री करना, देन असिस्टिंग एचआर और अदर एचआर टीम इन देयर वर्क। नेक्स्ट रोल इज एचआर एसोसिएट। एचआर एसोसिएट भी एंट्री लेवल जॉब होता है। तो इस रोल में एचआर असिस्टेंट जो है एम्प्लॉयज की क्वेरीज के आंसर करता है। अगर एम्प्लॉय को क्वेरीज है रिलेटेड टू द प्रोफाइल और रिलेटेड टू एनी कोई भी इश्यूज है, या सैलरी से कोई रिलेटेड इश्यूज है, या कोई डिडक्शंस हो गया है वो इश्यूज है, या कोई डॉक्यूमेंटेशंस है उसके रिलेटेड सारे क्वेरीज एचआर एसोसिएट करता है। प्लस यहां पर भी एचआर एसोसिएट एम्प्लॉयज के पर्सनल फाइल मेंटेन करता है, पेपर वर्क्स करता है, समटाइम्स ये एडमिन टीम प्लस अकाउंट्स टीम को भी हेल्प करता है अगर एम्प्लॉयज के कोई डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी चीजें या कुछ भी रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज होता है तो। सो द नेक्स्ट इज एचआर एडमिनिस्ट्रेटर। एचआर एडमिनिस्ट्रेटर एम्प्लॉयज के सारे डेटाबेस या डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीजें मेंटेन करता है। वो मेंटेन करता है कि एम्प्लॉय पेरोल पे है या थर्ड पार्टी पेरोल पे काम कर रहा है, या कॉन्ट्रेक्चुअल है, या वर्क फ्रॉम होम है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स एचआर एडमिनिस्ट्रेटर मेंटेन करता है। प्लस एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है इन केस ऑफ स्टेशनरीज जो एडमिन मेंटेन करता है वो भी पार्ट एचआर एडमिनिस्ट्रेटर समटाइम्स देखता है। नेक्स्ट इज एचआर एनालिस्ट। ये एचआर एनालिस्ट रोल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर एचआर रोल्स। एचआर एनालिस्ट का रोल होता है
रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना है। एचआर एनालिस्ट कंपनी के डेटा कलेक्ट करता है, एम्प्लॉयज के डेटा कलेक्ट करता है, सैलरीज के डेटा कलेक्ट करता है, इन अ ईयर कितने एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है या कितनों ने रिजाइन किया है, क्या अटरेशन पीरियड है एंड क्या वर्क कल्चर हो रहा है, उस चीज को ऑब्जर्व करता है एंड देन डेटा कलेक्ट करने के बाद एंड स्टडीज करने के बाद एनालिसिस करता है एंड देन उस बेस पे एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। ये सारे रिपोर्ट्स मैनेजर्स को प्रेजेंट किए जाते हैं, उनको शेयर किए जाते हैं ताकि वो आगे के चेंजेस और डिसीजंस पे वर्क कर सके। सो फ्रेंड्स, ये थे एचआर एंट्री लेवल जॉब्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द डेजिग्नेशन। तो अगर आप एचआर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो एज अ फ्रेशर तो ये बेसिक रोल्स ही आपको आने ही चाहिए। बट स्टिल मैं आपको ये कहूंगी कि आप जब भी किसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये जरूर चेक करें कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तो बेस्ड ऑन दैट आप प्रिपेयर करें एंड देन फिर आप अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।